ओके okay. स्टार्ट करते हैं ऑडियो क्लियर है स्क्रीन विजिबल है यस ओके सो आज का जो टॉपिक है वो है टॉपोलॉजी और सबको पढ़ना भी था इसके बारे में लास्ट uh, ये जो टोपोलॉजी है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके थ्रू आप आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क या डिवाइस अरेंजमेंट के बारे में आइडिया लेते हो ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बट इन इन्वायरमेंट और कंपनी यू आर मैनेजिंग फिजिकल टोपोलॉजीज डिवाइसेस एंड ऑल

ओके तो टोपोलॉजी ठीक है टोपोलॉजी इन द सेंस इट्स अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इन अ प्रॉपर मैनर ओवर अ नेटवर्क इस कम अंडर टोपोलॉजी तो यहाँ पर टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक नेटवर्क के अंदर या कंपनी के अंदर हम लोग जो भी डिवाइसेस अरेंजमेंट करते हैं वो टोपोलॉजी का पार्ट होता है टोपोलॉजी या टोपोलॉजी जो भी आप इसको प्रोनाउंस करिए तो टोपोलॉजी मतलब ये होता है कि आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क तो कहीं भी नेटवर्किंग डिवाइसेस का अरेंजमेंट होता है एक नेटवर्क के अंदर वो किसी ना किसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के भी पर होता है तो कहीं पर आपको स्टार फॉर्मेट मिलता नजर आएगा कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ ऐसे करके सारी चीजें होती हैं तो वैसे ही हमारे पास एक आर्किटेक्चर है दिस इज द नेटवर्क A diagram, and in this diagram you can see there are some cloud network, ISP two, ISP one, and these are the internal routers for X organization. You can add as a X organization. So there are three routers in the same organization, but these are the different different sites: site one, site two, and site three.

Provide network support, provide internet connection for site one, site two, site three. And ISP to provide connectivity for this site, which is uh, like uh, Y site. It may be any site, okay? And there are many, many users. So you can connect one site to another site. You can connect one ISP to another ISP through networking, through internet, through different, different topology. but there are an arrangement of networking devices without proper arrangement it is not possible to it is not possible to define the network architecture it is not possible to proper man manage the network architecture ye agar aap architecture planning nahi karoge jaise ek ghar banta hai आप बिना देखे सोचे समझे मैप तैयार करवाया आपने घर बना दिया तो मे बी वो घर आगे चल के आपको जो ऑप्टिमाइजेशन उसके अंदर होना चाहिए था जो सर्विसेज जो फैसिलिटीज ले पाते आप वो नहीं मिल पाए क्योंकि आपने उसका आर्किटेक्चर गलत बना दिया तो कहीं ना कहीं उसको तोड़ना पड़ता है नुकसान होता है पैसे का ये सारी चीजें सेम नेटवर्क टेपोलॉजी के साथ हम लोग ऐसा समझ सकते हैं तो वैल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी नेटवर्क इक्विपमेंट ओवर अ नेटवर्क एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्मॉल ऑफिस फॉर होम ऑफिस फॉर ब्रांच ऑफिस फॉर एनी इन्वायरमेंट इट इज मैंटरी टू डिजाइन दी नेटवर्क आर्किटेक्चर कि हमारा जो भी नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो कैसा है किस लेवल पर आर्किटेक्चर डिजाइन करना है कहाँ कहाँ हमें आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करना है बहुत सारी चीजें आप उधर देख पाते हो तो ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे की अरेन्जमेंट था डिवाइसेस का अब हम लोग इसको थोड़ा सा वन बाय वन लेकर चलते हैं

and this is the bus bus topology but as a bus topology you can uh, add that uh, the topology or devices can connect from a single cable okay only one device or only one cable can connect multiple devices so cable is also a device okay so single cable architecture it is a single cable architecture means bus topology uses central cable to कनेक्ट ऑल डिवाइसेस तो आप देखेंगे एक सेंट्रल केबल का इस्तेमाल किया गया है एंड दीज आर दी सीज ओके पीसी वन टू थ्री फोर फाइव यू कैन एड मोर दैन दिस ओके तो ऑल आर कनेक्टेड सेंट्रल डिवाइस विच इज आर सेंट्रल डिवाइस इन देंस सेंट्रल केबल आर सिंगल केबल कॉस्ट इफेक्टिव ओनली वन केबल कॉस्ट वेरी करता इधर मीन्स ओनली वन केबल का कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है ओनली वन केबल कैन मैनेज दीज ओल्ड डिवाइसेज सो रिक्वायर लेस केबलिंग कम से कम केबल के अंदर आपका काम हो जाता है एंड मेकिंग इट इज इट इज़ अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन एक आसान है बट uh, ये काफ़ी ओल्डर टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट में हम इसको देखेंगे मीन्स यू कैन से इट इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी जहाँ पर आप uh, आज के समय पर आई थिंक जो भी पुरानी टेक्नोलॉजी जस्ट नॉलेज के लिए आप देख सकते हो बट नो नीड टू इम्प्लीमेंट ओवर अ नेटवर्क समटाइम्स हमें जरूरत भी पड़ सकती है तो स्केलेबिलिटी मीन्स इजी टू डिवाइसेस बट देर आर लिमिटेशन लिमिटेशन में एग्जिस्ट कहीं ना कहीं आप एक्सटेंड आसानी से कर सकते हो बट लिमिटेशन भी है यहाँ पर और कहीं ना कहीं आसान तो है स्केल करना बट उतना आसान नहीं है जितना कि हम स्विच के साथ इसको मैनेज कर पाएंगे अभी हम लोग स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थिंग इज इजी टू मेंटेन लीनियर स्ट्रक्चर होता है आसानी से मेंटेन कर सकते हैं एक लाइन को मेंटेन करना, करना है मैनेज करना है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन डेटा ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन ऑन द सेंट्रल केबल दोनों डायरेक्शन में डेटा पर क्या होता है ट्रेवल कर सकता है है ना फ्रॉम दिस टू दिस और फ्रॉम दिस टू दिस

तो कोलिजन का चांस या कोलिजन का ज्यादा से ज्यादा इधर खतरा होता है कोलिजन मतलब एक ऐसा ट्रैफिक जो कोलाइड हो जाए, एक जगह पर आकर टकरा जाए ऐसा डेटा जो लॉस हो जाए, सारी चीजें। परफॉर्मेंस लिमिटेशन, ग्रोइंग नेटवर्क साइज में लीड टू परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन मीन्स बहुत बड़ा अगर नेटवर्क आप इसमें सेटअप करेंगे तो आपको एक डाउनग्रेड ऑप्शन देखने को मिलेगा मीन्स एक सफिशियंट स्पीड uh, सब कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा बट यस डेफिनेटली आपको स्पीड और हर चीज को लेकर थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा तो एक तरीके का बहुत बड़े नेटवर्क के अंदर आप इसको मैनेज करना मुश्किल होता है सिक्योरिटी कंसर्न काफी ज्यादा होता है क्योंकि डेटा लॉस सिग्नल लॉस सारी चीजों का प्रॉब्लम होता है एक जगह केबल ब्रेक हुआ तो पूरा इंटायर नेटवर्क जो फर्दर प्रोसेस के लिए कनेक्ट है विल बी डाउन एंड ऑल राइट तो सिक्योरिटी कंसर्न इज वेरी वेरी हाई कोलिजन इज वेरी वेरी हाई सो दीज आर द माइनस पॉइंट्स बोल सकते हैं कि लैक ऑफ डिस्टर्पोलॉजी देर आर मेनी तो सिंपल इंस्टॉलेशन इट इज वेरी इजी टू इंस्टॉल डिस्टर एंड नॉट इजी टू ट्रबल शूट आसान क्यों नहीं ट्रबल शूट करना डिटेक्ट करना तो ईजी है बट ट्रबल शूट मीनस अगर एक नई डिवाइस अटैच करना है एड करना है इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हाँ कॉम्प्लिकेटेड है आसान नहीं है मैनेज करना टफ है सारी चीज़ें इधर होती हैं इजी भी है इजी भी कैसे है क्योंकि कम अरेंजमेंट है तो आसान है बट अगर यहाँ से एक नया डिवाइस ऐड करना है तो टॉक टफ है क्योंकि आप डिसकनेक्ट करेंगे कनेक्शन डाउन होगा फिर ये सारी चीज़ें वर्क करेगी डेटा सिक्योरिटी इशू यहाँ पर आपको देखने को मिलता है है ना हाफ डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी यू कैन ट्रांसफर द डेटा

मीन्स अगर यहाँ से यहाँ डेटा को लेकर जाना है और हाफ डुप्लेक्स है और ये बैंडविथ हमारा हंड्रेड Mbps का है तो हंड्रेड Mbps एक बार में यूटिलाइज कर सकता है बट डिस्ट्रीब्यूटेड बैंडविथ का मतलब ये होता है फुल डुप्लेक्स में तो दोनों अगर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं तो दोनों करेंगे बट दोनों के लिए बैंडविथ क्या हो जाएगा शेयर्ड बैंडविथ का इस्तेमाल करेंगे तो स्पीड उधर हमें क्या मिलेगा स्लो देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं हाफ डुप्लेक्स का हमें काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है सारी चीजें

पीसी पीसी वन पीसी टू पीसी थ्री पीसी फोर पीसी फाइव ओके ये सारी चीजें हैं तो आप इधर देख सकते हो कि हमारे पास इतने सारे कंप्यूटर्स को एक सिंगल डिवाइस सेंट्रल डिवाइस की तरह कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करके रखा हुआ है तो इसके पॉइंट के बारे में अगर मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करूँ सेंट्रल हब डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सेंट्रल हब डिजाइन इन द सेंस सेंट्रल स्विच ओके okay? तो इस्तेमाल कर सकते हैं बट हब एक पुरानी टेक्नोलॉजी है और हब में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम नजर आते हैं जब भी हम लोग उसको यूज करेंगे मैनेज करेंगे तो आपको पता होगा कि हब हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को एज आई रीड बिफोर ओके तो उसमें क्या होता है कि डेटा आपका बार बार ब्रॉडकास्ट होता है न करता है हाफ डुप्लेक्स की तरह काम कर, करे तो बेटर है सब बट सेंट्रल डिवाइस है फ्रॉम अ सिंगल डिवाइस यू कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस डिवाइसेसेंट्रलाइज कंट्रोल मिलता है फ्रॉम अ सिंगल डैशबोर्ड यू कैन डिसकनेक्ट कनेक्ट एड रिमूव डिवाइसेस ओके स्केलेबिलिटी इट इज वेरी इजी टू स्केल दी नेटवर्क इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट मोर देन टू आर एडिशनल टू डिवाइसेस टू लैपटॉप डेस्क डेस्कटॉप विद दिस स्विच देन यू कैन यू हैव डेडिकेटेड केबल है दिस डि फ्री पोर्ट ओके या लाइक अनयूज पोर्ट तो जो भी अनयूज पोर्ट है उसके साथ आप इसकी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर लेते हो तो इट इज वेरी इजी टू स्केल

हो सकता है तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि आ, किसी अदर डिवाइस या नेटवर्क में अफेक्ट नहीं देखने को मिलता है उसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता है ये रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है means, है बेटर मिलती इधर इजी टू ट्रबल शूट आसान ना ट्रबल शूट करना नई डिवाइस एड रिमूव कुछ भी कर रहे हो अदर पे इफेक्ट नहीं जा रहा है इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉस्ट कंसिडरेशन डेफिनेटली थोड़ी कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा हायर कॉस्ट इधर आपको लगता है मीन्स देर आर मेनी मेनी केबल्स मल्टीपल केबल यू कैन यूजरेट केबल फॉर एवरी डि एंड ऑल्सो यू कैन लाइक एक्सपेंड द नेटवर्क आर्किटेक्चर डिवाइसेस थ्रू वन बिल्डिंग टू अनदर थ्रू वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर विद्प ऑफ दिसके इट इज वेरी इजी टू स्केल दी नेटवर्क बट अलग अलग केबल्स लगाकर सारी चीजें करनी होती हैं हब uh, डिपेंडेंसीज यहाँ पर मीनस हब के बारे में हम लोग ना लिख कर हब की जगह स्विच एड कर लेर इफेक्टिवली मैनेज दिसबिलिटी फॉरबिलिटी एंड फॉर डेटाटी ऑल्सो बट इंस्टेड ऑफ स्विच इफ यू हैब इन सेम टॉजी देन हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द डेटा आर सिग्नल तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि आपका डेटा लॉस सारी चीजें देखने को मिलता है केबलिंग रिक्वायरमेंट मोर केबलिंग रिक्वायरमेंट ओके सिक्योरिटी बेनिफिट सेंट्रलाइज कंट्रोल मिल जाता है तो सिक्योरिटी बेनिफिट देखने को मिलता है फ्रॉम अ सिंगल डैशबोर्ड यू कैन कंट्रोल दी कंप्लीट कनेक्ट कनेक्शन आर कंप्लीट कनेक्टिविटी जो भी अलग अलग डिवाइसेस okay? ये सारी चीजें हैं ओके ये पॉइंट्स हमारे पास इसमें देखने को मिलते हैं टोपोलॉजी जो कि रिंग टोपोलॉजी है रिंग फॉर्मेट इसको हम लोग बोल सकते हैं बट लाइक uh, like, रिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर टोपोलॉजी आपका इसी तरीके से बिल्कुल डिजाइन होगा रिंग मतलब सेंट्रलाइज्ड और सर्कल डिजाइन ओके सर्कल इन द सेंस कि आपके जितनी भी डिवाइसेस हैं एक दूसरे से क्लोज लुप में कनेक्ट होंगे द मेन पॉइंट ऑफ दिस टोपोलॉजी इज क्लोज लुप कनेक्शन ध्यान रखेंगे

ओके okay, तो ये क्लोज लूप हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है सर्कुलर कनेक्शन यहाँ पर है रिंग टोपोलॉजी फॉर्म अ क्लोज लूप वेयर इच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एक्सैक्टली टू अदर डिवाइसेस एक डिवाइस आप देख रहे हो ना यहाँ पर अदर दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है क्लोज लूप यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो मिलता है मीन्स इसमें एक साइड डेटा फ्लो आपको देखने को मिलेगा इट मे बी क्लॉक और एंटी क्लॉक बट इन रिंग टपोलजी यू कैन एस्टेब्लिश क्लॉक विथ एंटी क्लॉक कम्युनिकेशन बट वहां पर आपको एक अपग्रेड लेकर चलना पड़ेगा तो यूनिडायरेक्शनल मतलब होता है कि डेटा ट्रेवल इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग इंस्योरिंग सिक्वेंसियल फ्लो है ना फ्रॉम दिस टू दिस फ्रॉम दिस टू दिस फ्र सिंपलिसन आइडेंटिफाईजी टू आइडेंटिफाई दि फॉल्ट एक जगह प्रॉब्लम है तो इनके बीच का क्लोज लुप हट जाएगा और आगे डेटा जाना बंद हो जाएगा तो इट इज वेरी इजी टू फॉल्ट टॉलरेंस ओके सॉरी फॉल्ट डिटेक्शन स्केलेबिलिटी चैलेंजेस यहाँ पर होता है आसान नहीं है इसके बीच में डिवाइसेस को ऐड करना क्योंकि हर डिवाइस एक दूसरे से क्लोज लुप में हालांकि एंड पॉइंट पर आपको आसानी हो जाती है बट मिन डिवाइसेस इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड तो पोटेंशियली ये क्या है स्लो नेटवर्क वर्क करता है क्योंकि पूरा ऑपरेशन मूव करना पड़ता है इसको वर्क करने के लिए डिपेंडेंसीज ऑन सिंगल पाथ एक ही बात पर इसको डिपेंड होना पड़ता है मेंटेनेंस इजी है बट लिमिटेड नेटवर्क ट्रैफिक यहाँ पर मैनेज होता है तो कही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई ना एक स्विच के साथ जब आप स्टार्टअपॉलिजी सेटअप कर रहे थे देयर इज नो लिमिटेशन ये सारी चीजें थी बट एक चीज ध्यान देना कि ये तो रिंग फॉर्मेट में इस तरीके से है इसको सिक्योर करने के लिए कि डेटा हमारा यहाँ से या मेरा माउस या पेन जो है ना वो एक तरीके का स्टक हो रहा है तो एक मिनट मैं इसको फिक्स कर ओके तो जैसा कि मैंने यहां पर बताया कि आप जब भी टोपोलॉजीज के बीच में आप जब भी यहां पर टोपोलॉजीज के बीच में समझेंगे तो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर हर एक टोपोलॉजी के साथ समझ में आता है लेकिन आपने जब बस टोपोलॉजी पढ़ा और स्टार पढ़ा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक और देखो फिर से हैंग होने लगा ये पेन का सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है है ना तो यहां पर क्या होता है कि एक अनदर पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है जैसे लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार है ना यानि कि बोल सकते हैं बस प्लस स्टार दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक टॉपोलॉजी देखने को मिलता है विच इज ट्री टॉपोलॉजी ठीक है ट्री तो ट्री का मतलब क्या होता है कि एक ट्री आर्किटेक्चर हमें यहां पर देखने को मिलता है ओके एंड यस तो ट्री आर्किटेक्चर हमें यहां पर देखने को मिलता है ट्री आर्किटेक्चर कैसे होगा मान लिया कि डेडिकेटेड बैकबोन केबल आपके पास हो जाएगा इज अ पार्ट ऑफ बस टॉपोलॉजी और यहाँ से आपने मान लिया कि एक केबल लिया और एक स्विच या हब इम्प्लीमेंट किया और मल्टीपल डिवाइसेस को आपने कनेक्ट किया ऐसे एक और आगे कनेक्शन लिया स्विच वगैरह के साथ और मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट किया ये लुक लाइक ट्री आपको बस और स्टार दोनों का फीचर मिलेगा तो ये एरिया आपको स्टार का फीचर प्रोवाइड करता है और ये डेडिकेटेड बैकबोन केबल आपका बस का वो होता है तो इज अ पार्ट ऑफ ट्री टॉपोलॉजी तो यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी भी आपने देखा कि रिंग फॉर्मेट में है क्लोज लूप कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है और एक सिंगल डिवाइस अपने दो अलग नेबर डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है इजी टू डिटेक्ट दी लू बट एरर वगैरह को बट यहाँ पर मेंटेनेंस थोड़ा सा इजी नहीं है इस चीज को फिक्स uh, करने के लिए या मैनेज uh, करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशनल टोपोलॉजी हमारे पास आ जाता है इज ड्यूअल ड्यूअल रिंग रिंग एंड इज अ पार्ट ऑफ आर इज अ पार्ट ऑफ रिंग टोपोलॉजी तो रिंग का एक एडिशनल पार्ट हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जैसे लाइक रिंग टोपोलॉजी मैनेज ड्यूअल लाइक डुअल केबल कनेक्शन विथ सेम टोपोलॉजी इसी में आपका क्या होता है कि आपका डुअल टॉपोलॉजी या डुअल कनेक्शन देखने को मिल जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ये है बीच में एक एक और कनेक्शन हो गया अनदर कनेक्शन तो वन केबल ट्रांसफर द डेटा एज अ क्लॉक अनदर वन सेंड आर ट्रांसफर द डेटा एज अ एंटी क्लॉक मीन्स यू नाउ बाई डायरेक्शनल डेटा कैन ट्रांसफर तो अगर एक जगह पर हमारा फॉरवर्डिंग के समय क्लॉकवाइज में एक क्लोज लुक लाइक डिस्ट्रॉय हो चुका है प्रॉब्लम कर चुका है तो अनदर यू कैन यूज एंटी क्लॉक कम्युनिकेशन सिस्टम टू ट्रांसफर दो देअ बैकअपाथ है ना? तो इज अग्रेड ऑफ इट इज अपग्रेड सिंपल बोलेंगे इट इज एन अपग्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर टोपोलॉजी रिंग का डिबल रिंग हमारा एक अपग्रेड है ओके दैट्स ऑल हमारा एक जस्ट अपग्रेड होता है तो ये आर्किटेक्चर इंप्लीमेंटेशन के बारे में सब कुछ है और जब एक कंपनी के अंदर आप काम करते हो तो ऑटोमेटिक ये सारा सेटअप आपको करना होता है ये सारी चीजें आप धीरे धीरे समझते हो राइट मेस टोपोलॉजी बिल्कुल हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेस टोपोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ लाइक इट इज अ कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी और बोल सकते हैं कि बहुत हाई लेवल का यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलता है इजी कनेक्ट कनेक्टिविटी भी देखने को मिलता है Easy के साथ मैं ये भी ऐड ऑन करूंगा कि पाथ बहुत ज्यादा होता है मैं इजी क्यों बोल रहा हूँ मेस का मतलब ही होता है जालनुमा कुछ ऐसा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बट मैं इजी क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रबल शूटिंग बहुत आसान है इसके अंदर ट्रबल शूटिंग टफ है बट मेंटेनेंस बहुत कम है इसके अंदर मीन्स मल्टीपल पाथ हमारे पास है इफ यू हैव मल्टीपल पाथ देन नो नीड टू थिंक कि मुझे किधर से डेटा लेकर जाना है बेस्ट पाथ हमेशा आपके पास अवेलेबल होगा और कोई भी पाथ से आप डेटा बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे ट्रांसफर कर पाएंगे कहीं पर भी भेज पाएंगे तो मेस्ट टॉपोलॉजी क्या होता है कि एक तरीके का लाइक like, uh, जाल नुमा कोई टोपोलॉजी का पार्ट हो सकता है जैसे मैं एक तो, एक uh, डायग्राम ओपन करता हूँ एक टोपोलॉजी ये आपके सामने है अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक कनेक्शन है स्विच का और यहाँ पर केबल है और कहीं ना कहीं ये आईएसपी है या इस राउटर से इसका कनेक्टिविटी है बट मैंने यहाँ से एक कनेक्शन और इसको दे दिया ध्यान देना और यहाँ से मैंने एक कनेक्शन इसको दे दिया अगर ये राउटर डाउन है तो क्या यहाँ तक डेटा भेजने में यूजर सेवन के पास यूजर टू से प्रॉब्लम होगी नहीं ना मैंने यहाँ से यहाँ एक यूजर एक कनेक्शन दे दिया ओके ये सारी चीजें कर दिया यहाँ पर मैंने एक और केबल कनेक्शन एड ऑन कर दिया मेस का मतलब होता है कि मल्टीपल पाथ ओके मल्टीपल रास्ते डेटा ट्रांसफर करने के लिए तो ये मेस टोपोलॉजी होता है ओके okay? तो फुल कनेक्टिविटी पहला पॉइंट यहाँ पर होता है फुल कनेक्टिविटी मींस देर इज नो डेटा लॉस ओके हंड्रेड परसेंट डेटा जाना ही जाना है uh, मैं एक छोटा सा यहाँ पर टोपोलॉजी डिजाइन करता हूँ जैसे ये मल्टीपल डिवाइसेस हैं और आप देख सकते हो कि अगर मैंने यहां से यहाँ यहाँ से यहाँ ऐसे कनेक्शन सेटअप कर दिया यहाँ से यहाँ 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 तो मल्टीपल पाथ है अगर ए टू बी डेटा जाना है सो यू कैन सी डिरेक्टली फ्रॉम दिस वे फ्रॉम दिस वे दिस टू दिस 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 टू दिस 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 कितना आप पाथ देख सकते हो मल्टीपल पाथ आपके पास हो जाता है रेडिडेंसी मीन्स फेल ओवर या लोड बैलेंस नॉट अबाउट लोड बैलेंस फेल ओवर नेटवर्क आपको मिलता है इफ वन डाउन विल वर्क इफ सेकेंड डाउन विल वर्क इफ थर्ड डाउन ऑन अदर विलर आर मल्टीपल पाथ स्केलेबिलिटी इजी टू स्केल दी नेटवर्क एडिशनल आप आसानी से ऐड कर सकते हो मल्टीपल ये सारी चीजें बट इट इज कॉम्प्लेक्स डिजाइन कॉम्प्लेक्स डिजाइन है कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन है कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है डेटा सिक्योरिटी यहाँ पर है ठीक है एंड आइसोलेटेड ट्रैफिक आपको आइसोलेशन ऑफ ट्रैफिक देखने को मिल जाता है मेंटेनेंस चैलेंजेस तो जो भी हमारे चैलेंजेस और सारी चीजें इसका मेंटेनेंस और सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं तो बोल सकते हैं कि आ, आ, काफी चीज़ें इधर हमारे इस टोपोलॉजी में देखने को मिलता है एक मिनट में आया ओके okay. तो ये मेस्टोपोलॉजी uh, है मेस्टोपोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन uh, के भी आप पर भी मैंने दिखा है कि जस्ट आपको केबल कनेक्शन बढ़ा देने होते हैं दैट्स ऑल uh, उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी का कलेक्शन होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब ये है कि आप मल्टीपल टोपोलॉजी का कनेक्शन बोल सकते हो हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टोपोलॉजी जहाँ पर एक ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए जहाँ पर स्टार भी हो बस भी हो रिंग भी हो ट्री भी हो सारे तरीके की टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा हो इज अ पार्ट ऑफ लाइक हाइब्रिड टोपोलॉजी ओके तो हाइब्रिड का ये सिंपल पार्ट होता है अनदर अगर हम लोग यहाँ पर देखें डिटेल्स आंसर इसके बारे में तो जरूरत नहीं है ऑलरेडी मैंने जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू वन वर्ड में बताया बहुत ज्यादा कुछ इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है होप कि सबको क्लियर है तो ये कुछ टोपोलॉजी आर्किटेक्चर है एंड uh, मान लिया कि या या, या तो सिंपल एक छोटा सा यहाँ पर पांच मिनट का क्वेरी सेशन रखते हैं क्योंकि तो बहुत सारे लोग कंपनी में काम कर रहे हो और जो भी आप काम कर रहे हो अपने कंपनी में या इन्वायरमेंट कहीं पर भी तो आप सभी लोग कोई ना कोई टोपोलॉजी मैनेज करते होंगे तो सभी लोग जो भी हैं जैसे जिन्होंने कभी अपना कोई टोपोलॉजी डिजाइन किया है या बनी बनाई टोपोलॉजी के साथ आप काम कर रहे हो तो कुछ कुछ प्रॉब्लम होती हैं समझने में जब आप नए नए जाते हो या फिर वर्किंग ड्यूरेशन में कहीं प्रॉब्लम हो रही होती हो कॉन्सेप्ट को समझने में कि इसका कनेक्शन कैसे क्या है तो थोड़ा सा आप डिस्कस कर सकते हो अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो मैं बताऊंगा सारी चीजें यस वन बाय वन मैं चाहूंगा जरूर सभी लोग सभी वर्किंग प्रोफेशनल है एक दो लोगों को छोड़ के यू कैन अनम्यूट एनी वन कैन अनम्यूट सभी वर्किंग है आप नॉन टेक्निकल टेक्निकल कहीं पर भी हैं आपके वहाँ कंप्यूटर्स लगे होंगे सारी चीजें तो या एज अ टेक्निकली आपको क्या लगता है जो भी टोपोलॉजीज वगैरह बनी हुई हैं कहाँ पर क्या समझने में इशू होता है क्या चीजें आपको फेस करना पड़ता है स्टार्टिंग में सो पर बिल्डिंग दे हैव स्टार टोपोलॉजी एंड इफ देयर इज अ कैंपस लाइक थ्री फोर फाइव बिल्डिंग्स so each building is connected like a bus topology you know because point to point one to uh, one building to another building so you can say it is like a hybrid or a hybrid topology yes yes so in every company there are there is hybrid topology right क्योंकि company के अंदर hybrid होगा कहीं bus type होगा कहीं star type होगा है ना कहीं ring format हो सकता है कोई work station है meeting room है कुछ भी ऐसे है ना तो ये सारी चीजें हो सकती है ओके okay. तो क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह फेस होता है या कुछ आपको लगता है कि ये ऐसे चीज करनी चाहिए कुछ भी ऐसा कुछ okay. या जस्ट एवरीथिंग इज फाइन सो अगर ईच बिल्डिंग हैज लाइक देयर ओन इंटरनेट ओके तो क्या करते हैं कि बिल्डिंग बिल्डिंग द बैकएंड बैकअप के लिए कनेक्ट लाइक आईपी सेक्टन ओके तो बिल्डिंग टू बिल्डिंग अगर कुछ कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट हो जाती है तो एटलीस्ट इंटरनेट थ्रू आईपी सेक चालू कर सकते हैं राइट स्पीड थोड़ा कम मिलेगा बट कनेक्टिविटी विल स्टिल स्टे अलाइव इन द सिचुएशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट आईएसपी फॉर एवरी फ्लोर यस सो चैलेंज चैलेंज वो आता है कि उसका कॉन्फिगरेशन सॉलिड रहना पड़ता है कि एट व्हाट पॉइंट हाउ हाउ यू कॉन्फिगर इट तो इसीलिए okay. वो हम लोग सी सी एन कोर्स में वो सब डिस्कस करते हैं कि कैसे बैक टू कनेक्शन का क्रिएट हाँ मल्टीपल राउटर के बीच में या सीरियल right. पॉइंट कैसे सेटअप कर दें है ना ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट सेटअप ये सारी चीजें ओके yeah. okay. और कोई कुछ थैंक यू रितेश तो देखो इन्होंने एक बहुत बढ़िया पॉइंट दिया मैं इस पर एक वर्ड एड ऑन करता हूँ जैसे कि इन्होंने बोला इन सिंपल वे मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ और कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करता हूँ और सिंपल जैसे कि अगर हमारे पास हर तीन चार फ्लोर हैं हर फ्लोर पर अलग अलग कनेक्शन है तो अगर हमें हमारा कनेक्शन डाउन हो जाता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विथ आन फ्लोर राइट तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है कनेक्ट कर पाना तो देर इज़ If अगर जहां पर हमारा फिजिकल टोपोलॉजी फेल होता है वहां पर हम लोग लॉजिकल या फिर कॉन्फिग्रेशन लेवल का अपग्रेड कर सकते हैं एंड कॉन्फिग्रेशन नेवर लाइक डाउन योर नेटवर्क ये कभी आपके नेटवर्क को डाउन नेवर विल डाउन योर नेटवर्क कभी आपके नेटवर्क को डाउन नहीं करेगा ऐसा सिंपल बोल सकते हो कि लाइक uh, like, एक अप टाइम नेटवर्क आपको हमेशा देखने को मिलेगा ने उन्होंने बोला कि अगर हमारा एक जगह कनेक्शन वगैरह ऐसा है एक जगह दूसरा कनेक्शन है एक डाउन है तो फिर आप नेटवर्क या आईएसपी लेवल पर भी कनेक्टिविटी नहीं है या कोई इसके साथ कनेक्शन नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक प्राइवेट ऐसा टनल भी क्रिएट कर सकते हैं ये आप लाइक like ऑफिस के बीच में भी सेटअप करने के लिए कर सकते हो ब्रांच ऑफिस है ना ये सारी चीजें तो सिंपल अगर आपके पास फिजिकल लेवल का चैलेंज देखने को मिल रहा है तो आप लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन लेवल का एक बार अपग्रेड करने की कोशिश करके उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हो उस चीज को अपग्रेड कर सकते हो फिक्स कर सकते हो या अप टाइम नेटवर्क को बढ़ा सकते हो जो भी ऐसी सारी चीजें हैं राइट right? ये सब है तो so, चैलेंजेस बहुत सारी चीजें हैं देखो एक नेटवर्क network, नेटवर्किंग की इतनी ज्यादा डिमांड हर जगह पर जरूरत है इवन देन सी सी ने भी आप जब करते हो ये सारी चीजें तो एक एक एक्सपोजर देखने को मिल जाता है कि एक नेटवर्क के अंदर कितनी प्रोटोकॉल्स काम करती हैं कैसे राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी और सारी चीज़ें होती हैं तो नेटवर्किंग तो हर जगह पर काम आने वाला है चाहे आप सर्वर पढ़ो बेसिक नेटवर्किंग पढ़ो या सी सी एन ए पढ़ो सी सी एन पी पढ़ो सिक्योरिटी पढ़ो कुछ भी हर जगह पर आई थिंक आप लो लोगों को जिन लोगों को फ्रेशर लेवल की नॉलेज रही होगी और इतने दिनों में हम लोगों ने जो बेस लर्न किया है ना उससे आपको एक बड़ा एक्सपोजर देखने को मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं है इवेंदन ये एनफ नहीं है अभी बहुत सारे एड ऑन मैं कर रहा हूँ इसके अंदर जिससे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी इन मॉड्यूल वन ओके okay? तो ये काफी बेनिफिशियल है तो एक लोग वर्क कर रहे थे और इनके साथ ऐसा कुछ है सारी चीजें तो इस तरीके से फिक्स किया तो एक नॉलेज गेन करने को मिला स्टिल अगर कोई अपने इन्वायरमेंट का कुछ डिस्कशन ऑन कुछ ऐसा प्लस माइनस डिस्कस करना चाहता है या कुछ है तो तो डेफिनेटली क्योंकि मैं ही सिर्फ बोलता रहूं, तो अच्छा नहीं लगता है <laughs> आ, जैसे मैं कंपनी में जॉब करता हूँ मेरी आईसीडी है लॉजिस्टिक कंपनी तो जैसे वहां क्या होता है कि जैसे एक लोकेशन है ठीक है उसके पास एक दूसरी लोकेशन है जस्ट पास ही कुछ ही मीटर पे ओके ठीक है अगर वहां का अगर इंटरनेट बंद हो जाता है एक लोकेशन का हम्म हम्म तो उसके साथ दूसरी लोकेशन का भी इंटरनेट बंद हो जाता है ओके अगर वहां फाइबर कट हो गई या वहां का स्विच बंद हो गया कनेक्टिविटी चली गई दूसरी लोकेशन का भी बंद हो जाता है और ऐसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट जगह वो लगे हुए हैं जैसे फाइबर कनेक्टिविटी हुई हुई है हम्म हम्म अलग अलग लोकेशंस पे नहीं। नहीं। क्योंकि मेरी दस बारह डिफरेंट लोकेशंस आए सिटी में पूरी एक बिल्डिंग है फिर उसके आगे दूसरी बिल्डिंग है फिर तीसरी बिल्डिंग है तो क्या होता है जैसे एक जगह हमने आ, एक जगह हमने वो बॉक्सेस लगा रखे हैं नीवा okay. बॉक्सेस बोलते हैं जिन्हें हाई मास ओके okay, ओके okay. तो वहां पे एक बॉक्स लगा हुआ है तो इस अगर वो वाला स्विच बंद हो जाए ना mm -hmm. तो वहां से अमेरिकम कम से कम चार पांच लोकेशन बंद हो जाती हैं सीधा राइट right. तो टोपोलॉजी है प्रॉपर तो मैं नहीं कहूंगा कि रिंग है या तो सारे बंद हो जाते हैं एक से ए, लेकिन ए, एक है कि एक switch अगर बंद होता है तो उससे दूसरा बंद होता है वहां से फिर तीसरा कनेक्शन है और तीसरे से फिर चौथा कनेक्शन राइट राइट मतलब कि आप जैसे एलवन से अगर चार ब्रांचेज है तो मे भी हुँ. अगर एलवन से चार ब्रांच एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव है तो मे भी एल थ्री से तीन ब्रांच और कनेक्टेड है ऐसा हाँ, कुछ हाँ तो हाँ, अगर हमारा एल वन डाउन होता है तो इससे कनेक्टेड जितना है वो डाउन हो जाता हाँ, है हाँ, और हाँ, अगर एल थ्री है तो इससे कनेक्टेड जो है आ, वो उससे डाउन अगर एक दो कनेक्टिविटी और है कोई आसपास फाइबर डाल दी दी वहां से कनेक्ट कर राइट 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 एस एक्स टी डिज लगा देते हैं वहां से कुछ ऐसी कनेक्टिविटी कर देते हैं गुड गुड तो ये सारी चीजें हैं तो ये भी एक आर्किटेक्चर है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ मिक्स्ड टोपोलॉजी बोलेंगे है ना ये भी एक मिक्सड टोपोलॉजी है कहीं पर स्टार है फिर आप देख रहे हो ना एक सीरियल पॉइंट टू पॉइंट टनल भी बन रहा है पॉइंट 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 टू टू कनेक्शन कनेक्टिविटी भी है तो ये सारी चीजें हैं ये भी एक एक्सपीरियंस होता है तो अगर मान लिया कि कुछ ऐसा एड ऑन ट्राई करिए करने का कि अगर हमारा इसको इसको थोड़ा सा हम लोग अब सोल्यूशन और जैसे प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों को एड करके बात करते हैं और इजी रखते हैं मान लिया कि हमारे पास L1 है इसके पास ISP का कनेक्शन और सारी चीजें यहीं पर सेटअप है इससे कनेक्ट होकर मैंने दो अलग ब्रांच L2 L3 ले रखा है तो अगर हमारा यहाँ का कनेक्शन डाउन होता है तो यहाँ का कनेक्शन क्या हो जाता है डाउन हो जाता है, है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं इस टोपोलॉजी में जिससे हमारा अगर एक साइड का कनेक्शन डाउन हो तो दूसरी साइड से हमें वो कनेक्शन दूसरी बिल्डिंग का डाउन ना डेफिनेटली yeah, दूसरे बिल्डिंग से हमें अनदर अपनी बिल्डिंग तक या सारी बिल्डिंग को कनेक्शन अपडेट मिल सके या लाइन हाँ। मिल सके इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके सब क्या कर सकते हैं कोई लोग भी, भी आंसर करिए लीज़ लाइन यूज कर सकते हैं गुड मतलब डेडिकेटेड लाइन यूज कर सकते हैं बट वो भी लाइन अगर हमारे पास लीज लाइन अगर हमारे पास है तो डेफिनेटली हमारे पास एक बैकअप लाइन होनी चाहिए है ना क्यों कितने लोग एग्री होते हैं हैं अब थोड़ा थोड़ा सा सा बातों के साथ वो ऑन सा करते हैं, इंडस्ट्रियल नॉलेज ठीक है तो थोड़ा सा आप लोग भी बताओ कि अगर हमारे पास एक लीज लाइन कनेक्शन है डेडिकेटेड लाइन हमारे पास आया हुआ है हमारी कंपनी में तो कितने लोग एग्री हो कि उसके साथ एक बैकअप लाइन की जरूरत है और कितने लोग एग्री नहीं हो

जिससे क्या right. है कि मेरी बाकी ब्रांच चलती रहेंगी ये मैंने अपनी कंपनी में कर रखा है ये ना इट इज दो आई एस है मेरे यहाँ राइट यस इट्स अ पार्ट ऑफ वर्चुअल राउटिंग मतलब वो उस yes. एक एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग फाइबर कनेक्शन भी है और हाँ, साथ में बिल्कुल ऑल्टरनेट पॉइंट टू पॉइंट भी Good. नहीं नहीं मैं बताता हूँ मेरा जो है दो आईएसपी है वो मेरे फायरवॉल में आ रखे दोनों है, है. वहां मैंने मे, वहां क्या कर रहा? दोनों आईएसपी को क्या है फायर फायरवॉल में दोनों पोर्ट्स लोड बैलेंसिंग दोनों को वेट क्या करा हुआ है एक का दस रखा हुआ है एक का पांच रखा हुआ है जैसे ही मेरा क्या है प्राइमरी वाला डाउन होता है सेकंड मेरा अप हो जाता है विद इन सेकंड में होता है वैसा ये टाइमिंग डालनी पड़ती है हमें होगा तो दूसरा अप हो जाएगा तो जिस कारण का है कि हमारा डाउनफॉल आता ही नहीं है बहुत ही रेयर केस है कि के हमारे दोनों आईएसपी डाउन होंगे हाँ वो तो बहुत ही रेयर केस होगा बस तो ये एक सलूशन है दैट फॉर बैकअप बैकअप लाइन बैकअप लाइन के लिए हमें सब पोस्ट कंसीडरेशन करना पड़ता है जो प्राइमरी लाइन है वो एक्सपेंसिव रहती है बट बैकअप लाइन सबसे

एक ही पर्टिकुलर लाइन उनके पास है जिसके थ्रू वो कनेक्टिविटी आपके आपके ऑफिस तक या आपके एंटरप्राइज तक पहुंचा रहे हैं ठीक है अगर उनका वो पर्टिकुलर जो कनेक्शन है अब ऐसा नहीं है मतलब ये होता है कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे एरिया, एरिया है जहां पर लाइक इतना इजी नहीं है कि वो कनेक्टिविटी मल्टीपल लाइन है जहाँ पे मेरे पास फरीदाबाद में एक लोकेशन है वहाँ पे ना जो दी है वो आई एस पी है पे उनकी फाइबर कनेक्टिविटी नहीं है बिल्कुल मतलब वहां पर जैसे नहीं होता कि मुश्किल से एक लाइन वो लोग लो सपोर्ट करते हैं ना दूसरी लाइन के लिए फिर वो उतना ही चार्ज करते हैं इस तो इसलिए हो सकता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल आईएसपी हैं तो वो एक बेटर सोल्यूशन है कि एक हमारा जो बेटर आईएसपी है अच्छा अफोर्डेबल बहुत सारी चीजों को देखते हुए मतलब आपने एक प्लान ले लिया वो हाई बैंड के साथ आप चल रहे हो एक आपके पास बैकअप लाइन है और बैकअप लाइन के लिए आप अपने आईएसपी से बोल सकते हो कि अगर हमारा मेन लाइन डाउन होता है तो क्या सोल्यूशन है कि आपका बैकअप लाइन हमारे लिए काम करेगा ये तो डिस्कशन का पार्ट है yes, ना sir. Yes, क्योंकि यूं ही तो नहीं हम अपने इनसे सारी प्लानिंग करेंगे हमेशा सा के साथ डिस्कशन आर्किटेक्चर डिजाइनिंग वेंडर के साथ अगर जानी है तो वो करना होता है तो आप उससे मतलब मतलब मेंटेन होगा क्या है क्या सोल्यूशन उसके लिए आप रखे हो वो तो एक्टली exactly डिस्कशन के बाद ये हो जाएगा राइट लेकिन हम सर ये भी कर सकते हैं हम खुद भी कर सकते हैं सर ये आईएसपी करके तो क्या आपने लाइन क्या दे देता राउटर दे देगा लेकिन लेकिन बोलता है आगे आपका काम डेफिनेटली बट फायरवॉल पर हमारा कनेक्शन तो आना चाहिए हम फायरवॉल पर लोड बैलेंसिंग वर्चुअल राउटिंग सब कर देंगे बट हमारे फायरवॉल तक कनेक्शन आने की बात हो रही है कि लाइन डाउन ना होने पर राइट right? अभी समझ में आया तो देखो ये चीज सही है काफी चीजें यहाँ पर एड ऑन हुआ जैसे कि अगर एक लाइन हमारे पास आ रहा है तो ये एक हाई स्पीड का हो सकता है जिसका पैसा मैं दे रहा हूँ एक लाख रुपए पर मंथ या जो भी है एक लाख रुपए इसका पे कर रहा हूँ एक अनदर लाइन मतलब ये मान लिया कि अगर हमारे पास फोर एम या एट एम की लाइन है और अगर हमारे पास एक बैकअप लाइन लेना है तो मैं फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के बी का ले लिया है ना बैकअप लाइन जस्ट फॉर बैकअप कि हमारा कनेक्शन और सारी चीजें डाउन ना हो राइट तो ये लाइन एज अ बैकअप लाइन इस्तेमाल होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने जो भी हमारा मतलब कि राउटर है जो कि एक्स राउटर लाइन ए को मैनेज कर रहा है राउटर राउटर, फायरवॉल एक ही फायरवॉल पर दोनों कनेक्शन और सारी चीजें अगर आप लेकर चल रहे ले हैं एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है बट अगर फायरवॉल क्रैश हुआ तो या फायरवॉल डाउन हुआ तो फायरवॉल में हार्डवेयर लेबल इश्यू आया तो समझ रहे हो आप एक डिवाइस से आप मल्टीपल लाइन मैनेज कर रहे हो और लाइन यहीं पर प्रॉब्लम आई तो लाइन दोनों सही है लेकिन लेकिन सर नहीं, लेकिन सर नहीं बिल्कुल मल्टीपल हार्डवेयर होते हैं सर्वर लेवल के जितने भी कोर लेवल के जितने सभी में हमारे पास हार्डवेयर एचे पॉइंट या फिर बोल सकते हाँ, तो, तो हो लोड फिर आप फॉल yes, टॉलरेंस तो yes, yes, yes. सारी चीजों के लिए सपोर्ट मिलता है yes, yes, yes. बट yes, yes. उस लेवल का एक इन्वेस्टमेंट भी, भी वहां पर है क्या हमारे पास इसका एक जस्ट मैं चीजों को बता रहा हूँ कि मे भी अगर हमारा फायरवॉल क्रैश कर गया तो राइट तो हमारे पास क्या उसका कोई सोल्यूशन है अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास एच uh, ए और ये सारी चीजें हैं तो वो फेल नहीं होगा सिंगल डिवाइस उसमें मल्टीपल हार्डवेयर सपोर्ट है तो वो फेल नहीं होगा क्रैश का मतलब अगर उसके अंदर देखा जाए तो पूरा सिस्टम भी कभी कभी क्रैश हो जाता है राइट ये सारी चीजें बिल्कुल तो हो सकता है वैसा हो तो इन सब पॉइंट्स को भी अगर डिस्कस करेंगे तो नेटवर्किंग और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों के लिए अलग अलग हम एक गेटवे या राउटर की तरह लेकर काम करें है ना देखो yes, एक डिवाइस पर अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोड देंगे तो लोड बैलेंस में भी तो प्रॉब्लम आएगी है ना मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस का लोड इधर आपको देखने को मिल रहा है बट आपके पास दो गेटवे है है ना और इन दोनों गेटवे को किसी वीआर के थ्रू पावर कर रहे हो आप तो कहीं ना कहीं आपका नहीं होता है कि जो भी

डिस्कस करने में बहुत सारी चीजों को प्लस माइनस बहुत सारा आपको धीरे धीरे देखने को मिलता है कि नहीं कोर लेवल की नेटवर्किंग करना इतना इजी नहीं है इतना आसान भी नहीं कि बस हम हम जो जैसे जिस लेवल पे हम कर रहे होते हैं हमें वो लगता है कि परफेक्ट है ना बट देर आर मेनी अदर सोल्यूशन राइट तो वो डिस्कशन के साथ मैं थोड़ा सा एड ऑन करता हूँ तो अगर हमारे पास अलग अलग राउटर का कुछ कॉन्सेप्ट है और फिर इसके थ्रू हम लोग कनेक्टिविटी लेकर काम कर रहे हैं और फिर यहाँ पर फायरवॉल लेकर काम कर रहे हैं या फिर फायर हम किसी किस लेवल पर फायर वॉल इंप्लीमेंट करें वो डिपेंड करता है किस लाइन के लिए कैसे क्या है तो हम अपनी है। जो भी करंट वर्किंग लाइन है उसके लिए इंप्लीमेंट कर दें सिक्योरिटी अप्लायसेस को ये सारी चीजें और हमारा ट्रैफिक उधर उधर से पास हो और जैसा कि अभी किसी ने बोला थोड़े ही समय पर ये अपडेट हो जाता है या क्विकली वो दूसरी लाइन पर शिफ्ट हो जाता है तो वो आसानी से हो जाता है वर्चुअल राउटिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके नेटवर्क सी सी एन ए और इन सारी चीज़ों में इसको बी आर आर पी का कॉन्सेप्ट और ऐसा सारी चीज़ें एड ऑन किया जाता है बट जो लोग बिगनर हैं नहीं कभी ही इस पॉइंट और सारी चीज़ों को देखें अभी मैंने रिसेंटली लास्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला है वो इन लोड मतलब कि ये रेडिडेंसी को ही लेकर डाला हुआ है कि एक लाइन डाउन हो जाए तो दूसरा वर्क कैसे करे रियल डिवाइस पर वर्क करते हुए मीन्स आई पर वर्क करते हुए तो आप चेक ऑन कर सकते हैं तो एक रियल एक्सपीरियंस नॉलेज हो जाएगा एक घंटे जस्ट आपको समय देना है एक घंटे से कम देंगे तो नहीं समझ में आएगा फॉरवर्ड करके देखने से तो ये है तो आप सब लोगों को आइडिया लगा कि एक टोपोलॉजी मतलब क्या होता है कि टोपोलॉजी जो आपने अभी पढ़ लिया मेरे कहने का मतलब ये डिस्कशन क्यों करना था कि टोपोलॉजी जो अभी आपने पढ़ा सिंपल तरीके से कि ऐसा डिजाइन तो ये नाम इसके अंदर ये प्लस ये माइनस बट एक इंडस्ट्री के अंदर जब आप जाते हो तो हर पॉइंट को समझना होता है क्लियर हुआ सबको कि कितने सारे पॉइंट्स हैं कितने सारे आर्किटेक्चर डिजाइन और सारी चीजें देखने को मिलेंगी हर लेवल पर हमें चीजें समझना होता है है ना है। तो बहुत सारी चीजें इधर समझने को यह है। और मेरा पॉइंट ये था कि अगर हमारे L1 से तीन ब्रांचेज कनेक्टेड हैं और यहाँ से डाउन हो जाए तो आप लोगों ने किसी ने बोला कि हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं फायरवॉल के थ्रू हमारे कंपनी में फायरवॉल नहीं है मान लिया जरूरत नहीं है बट स्टिल मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं लाइक वर्चुअल राउटिंग कॉन्सेप्ट एच एस आर पी लाइक कॉन्सेप्ट वी आर आर पी का टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे पास सर्वर जैसी डिवाइस है तो एन आई सी टीम का काम करा सकते हैं एनआईसी टीम पर दोनों सर राउटर्स की लाइन लेकर आते हैं कनेक्ट करते हैं और सर फिर इसके थ्रू मतलब कि ये दोनों लाइन पर हमारा सर्वर अवेलेबल हो जाता है और क्लाइंट कहीं से भी इंटरनेट का कनेक्शन इस्तेमाल करते हो ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस्तेमाल करते हो हमारे सर्वर तक रीच कर पाएंगे क्योंकि हमने अपने सर्वर पर एनआईसी टीम इम्प्लीमेंट करके किया हुआ है अगर हमारी कोई वेबसाइट है वो डाउन ना होने पाए तो एक लाइन से पॉसिबल नहीं है है ना दूसरी लाइन से भी उसका कनेक्शन होना चाहिए हमारे यूजर जरा सा भी प्रॉब्लम ना फेस करें तो NIC टीम का सर्वर के अंदर आपको आता है आप राउटर के बारे में भूल जाओ सी अन्य नहीं पड़े हो सारी तो बट सर्वर के अंदर हमारे पास एक NIC टीम का आता है अगर कोई मैनेज किया हो तो उसको पता होगा कि हमारे पास क्या होता है मल्टीपल एनआईसी को हम क्या करते हैं कंबाइन कर देते हैं है ना जैसे ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि टू बंडल दी मल्टीपल चैनल इनटू सिंगल लॉजिकल वन है ना और जब भी हम माइग्रेट करते हैं ना मतलब कि सॉरी कंबाइन करते हैं बंडल करते हैं दो कनेक्शन को तो हमेशा बैंडविथ क्या होता है मल्टीप्लाई होता है है ना आपका अगर हंड्रेड एमबीपीएस है तो दो लाइन है तो डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई टू सॉरी यह मल्टीप्लाइड बाई टू तो हमारे पास कितना आ जाएगा अप्रॉक्स टू हंड्रेड मेगाबीट ट्रांसफर रेट देखने को मिलेगा तो बैंडविथ भी हमारा क्या होता है उतने पर्टिकुलर चैनल के साथ मल्टीप्लाई होता है कंबाइन होता है इट तो अगर हमें एच ए क्रिएट करना है अगर हमें लोड बैलेंस करना है है ना सिमिलर पार्ट है अगर हमें फेल ओवर कॉन्सेप्ट लेकर चलना है कुछ भी ऐसे वर्ड में हम लोग लेकर चलें तो मल्टीपल पॉइंट्स को देखकर और अपनी टोपोलॉजी टेक्नोलॉजी को देखकर हम लोग ये सारी चीज़ें प्लान और इम्पलीमेंट करते हैं जैसा जरूरत होता है कंपनी के अंदर उस तरीके का आर्किटेक्चर ऑटोमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है क्लियर है सबको सिंपल यही सारी चीजें हैं लेटर नेटवर्किंग का पार्ट आप मेरा देख सकते हो सी वगैरह की बहुत सारी चीज़ें तो आपको और आइडिया लग जाएगा इतना इनफ है सर्वर या बेसिक सी सी एन नेटवर्किंग नॉलेज के लिए तो मैं इसको करता हूँ एक मिनट के लिए डिलीट